सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे और भव्य और दिव्य बनाने की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और विभिन्न देशों से रामलीला का मंचन करने के लिए यहां पर लोग आए हुए हैं। ये रूस की पूरी मंडली है जो रामलीला का मंचन करती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मैक्सिमम लोग यहां पे आ गए और आज इन लोगों ने रिहर्सल भी किया है। सभी लोगों ने ये रशिया से यहाँ पर आए, रामलीला का मंचन किया और विभिन्न देशों से और जगहों से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं मंचन करने के लिए। अभी फिलहाल जो है वो एक जगह पे इन लोगों ने जाके रिहर्सल किया है, मंचन किया है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आएंगे तब उस वक्त भी ये मंचन जो है वो किया जा सकेगा। बात करते हैं मैम, क्या नाम है आपका और क्या कुछ करते हैं आप? मेरा नाम नदेजदा सिंह और मैं कई-कई का रोल करती हूँ। कई-कई का रोल करते हैं आप, और किस तरह से प्रेरित हुए इससे, रामलीला से कैसे प्रेरित हो गए आप? प्रेरित मतलब कैसे मन में आया आप? बेसिकली 3 या 4 साल के पहले एक रशियन कलाकार था गिनाजी पेचनिकव, उन्होंने बहुत पुराने जमाने में जब जवाहरलाल नेहरू था प्राइम मिनिस्टर था तो उसी समय वो परफॉर्मेंस किया रामायण का, तो इनका डेट हुआ तो हम इनकी मेमोरी के डिसाइड किया कि हम भी करेंगे। तो ये था, ये रशिया की पूरी टीम है जो यहाँ पे खड़ी हुई है रामलीला का मंचन करने के लिए। यहाँ पे लोग आए हैं और ये पहली बार यहाँ पे सब आए हैं, हालांकि मैडम कई बार आ चुकी हैं, कुंभ में आ चुकी हैं और तमाम जगहों पे ये अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं, लेकिन अयोध्या में कुछ कलाकार पहली बार आए हैं और यहाँ पे इन लोगों को अच्छा लग रहा है। ये माना जा रहा है कि अगर नेक्स्ट टाइम भी बुलाया गया तो अयोध्या में आएंगे और यहाँ की जो भूवास है या यहाँ की जो तहजीब है उससे काफ़ी ये लोग प्रेरित हुए हैं। आने वाले समय में शायद फिर इनको आने का मौका मिलेगा तो यहाँ पे सब लोग उपस्थित होंगे। कैमरामैन दुर्गेश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या। तो